सनातन धर्म में एक तरफ जहाँ तीज त्योहारों का बड़ा महत्व माना गया है, ठीक उसी प्रकार सनातन धर्म में पेड़ पौधों का भी बड़ा महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में कई पेड़ों को पूजनीय माना गया है, यानी तीज त्योहारों पर इन पेड़ों की पूजा की जाती है। इसी के तहत सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का बड़ा महत्व बताया गया है। तो आइए जानते पंडित गिरजेश चतुर्वेदी से कि किस दिशा में लगाना चाहिए तुलसी का पौधा और क्या कुछ इसके लगाने से होते हैं फायदे। राधे राधे, मैं ज्योतिष आचार्य पंडित गिरजेश चतुर्वेदी। आज हम सनातन धर्म में माँ तुलसी की महिमा की चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो सनातन धर्म में हर वृक्ष हर पौधे का एक महत्व होता है, एक पूजन की विधि होती है, पर माँ तुलसी जो कि स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है, जिसे हम वृंदा वृंदावनी नंदनीय कृष्ण प्रिय इन प्रचलित नामों से जानते हैं, और सनातन सभी हिंदू घरों में हमें तुलसी का पौधा लगभग 100% दिखाई देता है, परंतु कहीं लोग तुलसी की इस महिमा से परिचित नहीं है। कुछ लोग तुलसी को डेकोरेशन के हिसाब से लगाते हैं और कुछ लोग तुलसी को केवल ठाकुर जी के भोग के लिए ही उपयोग के लिए लगाते हैं, पर तुलसी जो कि स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार मानी गई है, सर्वप्रथम घर में तुलसी हम लगाते हैं तो उसके फायदे। घर में तुलसी का पौधा लगाने से घर में जो भी अच्छा प्रभाव होता है वो आता है, घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। माँ भगवती का विशेष आशीर्वाद उस घर में रहता है जहाँ तुलसी का पौधा होता है। साथ ही तुलसी तोड़ते समय हमें हमेशा कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बासी वस्त्र में तुलसी कभी नहीं तोड़ी जाती, चप्पल जूते पहनकर तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, जब हम हाथों में तेल हो तब तुलसी का पौधा को छुआ नहीं जाता है, तुलसी तोड़ी नहीं जाती है। तुलसी आप पवित्र होकर ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः इस मंत्र का 3 बार जप कर तुलसी को तोड़े और फिर माँ तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तुलसी का और भी फायदे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कहीं लोगों को नींद में भयभीत होने की समस्या होती है, भय सताता है, तो ऐसे लोगों को तकिए के नीचे 5 तुलसी के पत्र रखकर सोना चाहिए, उनकी यह जो परेशानी है समाप्त हो जाएगी। साथ ही तुलसी को घर में तो हम रखते हैं पर हमें पता नहीं होता किस दिशा में हमें तुलसी पत्र या तुलसी का पौधा रखना चाहिए, तो पूर्व उत्तर में हमें तुलसी का पौधा रखना चाहिए। तुलसी के साथ केवल केले का ही पौधा रखना चाहिए जो कि घर में लक्ष्मी नारायण का स्वरूप बनाता है और जो कि घर में सुख समृद्धि दीर्घ आयुष्मान करता है। साथ ही तुलसी को किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, अमावस्या के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, विशेष सूर्य संक्रांति के दिन तुलसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। यह ब्रह्म वेद पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, इन इन तिथियों में तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए वरना भारी नुकसान होता है। तुलसी को संजीवनी रूप भी कहा गया है क्योंकि जब भी गले में किसी प्रकार की समस्या आती है तो तुलसी का उपयोग किया जाता है। तुलसी सनातन धर्म में बहुत पूजनीय है। जो भक्त तुलसी को प्रतिदिन पुष्प चंदन और जल अर्पित करता है उसे स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है, यह भी पुराणों में प्रमाण है। और जो भक्त अपने साथ तुलसी रखता है तथा तुलसी की माला गले में पहनता है वह भगवान हरि को बहुत प्रिय होता है। तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला साथ में पहनी जाती है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं, कहीं लोगों को कंफ्यूजन होता है कि महाराज जी तुलसी और रुद्राक्ष साथ पहने जाते हैं या नहीं, तो तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला भी साथ पहनी जाती है और
तुलसी की माला के जो नियम है वही रुद्राक्ष के लिए भी नियम है। इसलिए तुलसी सनातन धर्म में बहुत पवित्र है और जो भक्त तुलसी के 8 नामों से माँ तुलसी की पूजन करता है, माँ तुलसी तथा भगवान विष्णु की सर्व मनोकामना पूर्ण करते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे।